दोस्तों, आप नहीं जानते अपनी जन्म कुंडली के बारे में। आपके पास जब जन्म का सही समय या तारीख नहीं है तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली है क्या और उसमें वास्तव में क्या दोष हैं। पर दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना जन्म कुंडली के जाने आप पर शनि दोष है या नहीं है। अब हम अपने विषय पर आगे बढ़ें इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और जय माता दी लिखने वाले अपने सभी प्रेमी बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। तो आ जाते हैं दोस्तों अपने विषय पर। दोस्तों, शनि दंड के अधिकारी हैं। हम पिछले जन्म में हमने जो ऐसे कर्म किए जो पाप के अधीन आते हैं, पाप की श्रेणी में आते हैं, तो समझ लेना कि दंड निश्चित है और वह दंड आपको किसी भी जन्म में मिल सकता है। और उनके दंड देने का जो प्रावधान है वो भी शनि महाराज के पास है। अब आप पर यदि तीन लक्षण मैं बताऊंगा, यदि आप में वह तीन लक्षण में से कोई भी लक्षण मौजूद है तो समझ लेना कि शनि की दशा आप पर प्रारंभ है या शनि आप पर रुष्ट है। तो दोस्तों, पहला, आप कोई भी कार्य करते हैं और कार्य बढ़ता बढ़ता मुकदमे में बदल जाता है। अब कई बार तो यह मुकदमा कोर्ट कचहरी तक ही रहता है, कई बार ये आगे भी बढ़कर जेल तक पहुंच जाता है। आपने कुछ ऐसा किया नहीं था पर हालात ऐसे बनते चले गए कि आपको कोर्ट कचहरी से लेकर जेल तक का सफर तय करना पड़ गया। समझ लेना दोस्तों कि शनि का प्रकोप चल रहा है आप पर। दूसरे, यदि दोस्तों आप के अंदर हर बात बात पर क्रोध आने लगे और अपने आप में अहंकार की स्थिति पैदा होने लगे, तब दोस्तों ऐसी अवस्था में ये दोनों स्थितियां आपकी बुद्धि को हर लेती हैं। घर में कलह रहने लग जाएगा, आपके साथ किसी की बनेगी नहीं, आपका मान सम्मान खत्म हो जाएगा। दोस्तों, समझ लेना कि आपके ऊपर शनि का प्रकोप शुरू हो गया है। और दोस्तों, तीसरा लक्षण, आपके पैरों में दर्द होना शुरू होगा, जॉइंट में दर्द होना शुरू होगा, उससे ऊपर कमर पर आएगा और कमर में बढ़ जाएगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, छाती पर फोकस आना शुरू हो जाएगा, यानी शनि महाराज का जहां पर भी फोकस पड़ेगा आपके शरीर पर बेवजह है इस प्रकार के दर्द शुरू हो जाएंगे। और यहां जब बढ़ करके आता है तो वह हार्ट अटैक का भी कारण बन जाता है। दोस्तों, इस प्रकार की स्थितियां यदि आपके ऊपर लागू होती हैं तो समझ लेना कि शनि का प्रकोप शुरू हो गया है। दोस्तों, मैंने सिर्फ तीन लक्षण बताए। अब ये है लक्षण मोटे मोटे तौर पर आपके ऊपर अगर बैठते हैं तो समझ लेना कि आपके पास जन्म कुंडली है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लेना शनि का प्रकोप आपके ऊपर शुरू है। अब दोस्तों, कुछ भी हुआ करता है, ग्रहों का दोष भी आता है, पीड़ाएं भी आती हैं, लेकिन दोस्तों निवारण भी हर चीज के हुआ करते हैं और साधारण छोटे छोटे प्रयोग हुआ करते हैं। आप कहेंगे कि यदि इतने आसान निवारण हुआ करते हैं तो फिर हमें किसी से घबराने की आवश्यकता क्या है। दोस्तों, निवारण है, आप यदि उनको
अपनी नियमबद्धता से करते हैं और धैर्य रखते हैं, तब आपने एक बार किया, दो बार किया, नहीं हुआ, आपने कहा छोड़ो इसे, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं हुआ करता है दोस्तों। आप नियम से कोई भी कार्य करेंगे तो समझ लेना आपके दोषों की निवृत्ति भी होगी ही होगी। दोस्तों बहुत छोटे से उपाय हैं, बिल्कुल केवल दो ही उपाय बताऊंगा, एक उपाय तो ना के बराबर है और दूसरा उपाय आपको करना है। जो ना के बराबर है वह उपाय आप अपने पूजा स्थान पर चले जाएं और अपने पूजा स्थान में भगवान शनि देव से अर्जी लगाएं कि हे शनि महाराज, आज के बाद मैं कभी भी अपनी वाणी के द्वारा या अपने तन के द्वारा किसी के भी मन को और शरीर को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। दोस्तों बस यह छोटा प्रयोग देखने में छोटा लगता है, लेकिन समझ लेना एक बार आपने यह बोल दिया और आप इस पर आचरण करने लग गए ना, तो समझ लेना कि शनि की पीड़ा बिल्कुल कम होने लग जाएगी, आप स्वयं देखोगे। और दूसरा छोटा सा आसान है दोस्तों, कर लेना, एक लोहे का पात्र ले लेना, लोहे के छोटे पात्र मिल जाते हैं, शनिवार के दिन सरसों का तेल डाल लेना, थोड़े काले तिल डाल लेना, थोड़े से साबुत काले उड़द डाल लेना। अब ये डालना तब है जब आप शनि महाराज के मंदिर में जाओ, क्योंकि पात्र में लेकर के कैसे जाओगे, ये साथ में लेकर के जाना। वहाँ पर छाया पात्र, इसे छाया पात्र बोलते हैं दोस्तों, इस पात्र को हाथ में लेना, सरसों का तेल डाल देना, थोड़े काले उड़द डाल देना, थोड़े से काले तेल डाल देना, उसमें अपना मुख देखना है दोस्तों। जब आप मुख देखोगे तब आप मुख देखते हुए उसमें शनि महाराज से अर्जी लगानी है कि हे शनि महाराज, आप मेरे पापों से मुझे मुक्ति दिलाएं और मेरी बुद्धि को सही मार्ग पर ले चलें। दो बातें बोल देना, सात शनिवार भी कर देंगे ना, तो समझ लेना दोस्तों शनि की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। कर लेना, बहुत अच्छा प्रयोग है, करोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। शनि जितना आपको कष्ट देता है, शनि उतना ही सहयोगी और उतना ही आपका मित्र भी है। करोगे तो आप स्वयं जान जाओगे। अच्छा लगता है वीडियो, अपने यार दोस्तों को अवश्य भेज दें। फिर शीघ्र ही मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।